अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है जुनसाना जनाब, बालो तगड़े और खुश व खरम रहो। मेरी तो दुआ है ये है ठीक है। तो आज तो व्लॉग बड़ा ही यूनिक होने वाला है। 6 सितंबर 1965 थी अगर तुसा जंग याद हो गए थी, उस वाले एक आवाज़ गूंजी है ठीक है। और आवाज़ किस थी, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। ते आज मैं तुसा से किन के आया व्लॉग, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान दी आखिरी आराम गाह ते असी आए हैं जो कि मेरे ग्राएं तो थोड़ी जी दूर है ठीक है। आज तुसा मैं फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान दी आखिरी आराम गाह दा विजिट करवासा ठीक है। मैं मौजूदा मेन गेट ते मौजूद आते थे, मेन गेट ते फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान दा बोर्ड लगा हुआ है सामने। अगर साइंस वाला तो थोड़ा जा कुछ 2-1 किलोमीटर उत्ते तुसा अंदर दा विजिट करवाना। एंट्री ते जलो ते एंट्री ते इस सामने तख्ती लगी हुई है, बड़ी बड़ी तख्ती लगी हुई है, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। ते मेन एंट्रेंस ए वे ठीक है, इतों ही जस्ट है मैं अहाते बच्च आना। ते इस तरफ जड़ा है वे मेरे सजे पास जड़ा कब्रस्तान है ठीक है, जिथे अयूब खान की फैमिली होंगी है। ते मेरे लेफ्ट साइड खब्बे पास जड़ा है वे कि एक आम कब्रस्तान है, जड़ा इस ग्राएं का रहाना ग्राएं का एक कब्रस्तान है ठीक है। तो अहाते की गल करा तो इस साइड जरा वजू वगैरह बनाने की जगह, तो वह सामने मस्जिद है, जो कोई मुसाफिर वगैरह आते हैं तो वह मस्जिद वगैरह यूज़ कर रखते हैं, वजू कर रखते, इतने नमाज़ पढ़ रखते, नफल पढ़ रखते ठीक है। ये बड़ी अच्छी गल है, वैसे इतने रोड से मौजूद है। तो मैं तुसा दसा एंट्रेंस है, मज़ार की एंट्रेंस है, इतने अयूब फैमिली की कबर मौजूद है। तो इस इलाके की मैं गल दसा तो इस जगह तो अगर असं ग्राएं का विजिट करा तो वह सामने ग्राम है अयूब खान का आबाई गाँव, ग्रां जिथे अयूब खान पैदा हुए ठीक है, पले बड़े ठीक। मैं तुसा दसा ये जंगला, जंगले के अंदर जोड़ा है भाई कि अयूब फैमिली की कबर मौजूद ने। मैं अंदर मैं ना चप्पल ला के बहने चाहिए ने वैसे, क्योंकि कबर कोई भी हो गए, चाहे नहीं कि कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, कबर जिसकी भी हो गए वो थोड़ी अदब का मुकाम आ गए। और मेरे हूँ ये जी फर्स्ट कबर है, ये शौकत अयूब खान वाल फील्ड मार्शल अयूब खान, मतलब कि शौकत अयूब खान, अयूब खान के जोड़े बच्चे ठीक है, बेटे ठीक है। इस तरफ जो है वे कि एक कबर है जी बीबी ज़ैदा खातून ठीक है, जो कि अयूब खान दी बीबी। अच्छा एक कबर है जी अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान जी, तो ये नहीं थी अहलिया मीरदार ठीक है, अयूब खान दी वालदा मुहतरमा जी कबर है, उन्होंने राइट साइड पर मौजूद है ठीक है। इस नाल जो है वे कबर मौजूद है, ये जी खान सरदार बहादुर खान ठीक है। इस तो बाद देखा जाए तो मैं तुसा दसा ये सारी जी कब्रस्तान है, ये सारी कबर ने अयूब खान की जो पर्सनल फैमिली है उन्होंने कबर ने। तो मैं तुसा दसा इस तो बाद तुसा एक और चीज़ दसा, ये अयूब खान की जी कबर है, जो मज़ार है, इतने तुसा हरियाली के बूटे वगैरह ज़्यादा नज़र आ सकन, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर की जुलती है सफाई बेच। उस तो बाद जो है भी कि हरियाली, क्योंकि ये इलाका बड़े मज़ेद है ठीक है। अयूब खान का जो आबाई गाँव है रियाना जिला रियाना ठीक है, वह बड़ा मज़ेद है ठीक है, फुल बूटे। तो उसकी मुनासिबत नाल इतने भी काफ़ी सजनकारी की गई है, फुल बूटे क्यारियाँ वगैरह फुलों वगैरह के बूटे लाए गए हैं। अच्छा नाज़रीन मैं तुसा दसा ये बैकग्राउंड मेरा देखो तुसी सार सिर्फ कि अयूब खान की कबर है इस तरफ, तो इस नाल ये जो बैकग्राउंड है ठीक, बहुत ही पुरसकून बहुत ही मज़ेदार व्यू इतना आता है, एक पुरसकून पुर फजा मुकाम है ये ठीक है। इतने जोड़ा है वे लोग आते ने जो मतवाले होंगे ने आते ने दुआ करते हैं, उस तो बाद जो पहले खबला जहा लगा हुआ है ठीक है, हरियाली है, शामी आके इतने बैठ चढ़ाते हैं ठीक है, उस बाद बैठो रेस्ट करो, और बहुत ही ज़बरदस्त जगह ये बनाई गई है इधर ठीक है। इस तरफ जी कबर ने ये जी समर अयूब ठीक है, अरशद अयूब साहब जोड़े इतने एम एन ए ने उन्होंने बेटे की कबर है ठीक है। उस तो बाद जाहिद अयूब है, मुहम्मद खान, जुवेद खान ठीक है, जेबन नसार जी, उमर अयूब खान जो वजीरे तवानाई ने इस वेले के, उन्होंने जी वालदा साहिबा की कबर है ठीक है, ये मौजूद है ठीक है। इस तो
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਚਲੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਖਤਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਕਬਰ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਇਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ, ਜਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾ ਚੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਚੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਦੂਏ ਮੁਲਕਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।